नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, केक के मुताबिक भारतीय सेना जरूरी आर्टिलरी गन का सिर्फ 8% ही अपग्रेड कर पाई है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना जिसने 1999 में फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान या FARP को 2027 तक 2800 आर्टिलरी गन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ तैयार किया, जिसमें से 1580 टोट गन, 814 माउंटेन गन, 180 सेल्फ प्रोपेल्ड व्हील और 100 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक वर्जन, जिसे हम दोस्तों K9 वज्र भी कहते हैं, और 145 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप जो हमने अमेरिका से खरीदी है। 2023 तक अपनी कुल आवश्यकता केवल 8% ही खरीदा है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक केक ने भारतीय सेना पर हमला किया, जिसने 114 गन 155x45mm धनुष तोपों के लिए स्थानीय ऑर्डर देने से पहले केवल 145 अल्ट्रालाइट होविट्जर बंदूकें और 100 स्वचालित ट्रैक किए गए वाहन खरीदे, जो पिछले साल ही वितरित किए गए थे। पुनः परीक्षण के बाद भारतीय सेना इस साल के अंत में विंटर किट के साथ दक्षिण कोरिया से खरीदे गए 100 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक वर्जन वाहनों के लिए 310 स्वदेशी एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS और एक रिपीट ऑर्डर खरीदने का इरादा रखती है। जब चीन से तुलना की जाती है तो भारतीय सेना जिसे कम से कम 5 स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टम की पेशकश की गई थी, अभी भी चयनात्मक है, और इस तथ्य के बावजूद उसके पास अधिकांश आर्टिलरी गन 155x52mm कैलिबर की नहीं है, अभी भी थोक का ऑर्डर देना बाकी है। और दोस्तों, जो ऑर्डर दिया था 100 सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक वर्जन हमारे K9 वज्र का, उसके बावजूद दोस्तों 100 का रिपीट ऑर्डर और देना था। उसके लिए भी दोस्तों हमारी L&T जो प्राइवेट कंपनी है, उसने कहा था कि हमने जो स्थान ले रखा था जहां पर वो K9 वज्र का निर्माण होता है, वो रखे या नहीं रखे। दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों को भी दिक्कत होती है, भारतीय सेना को रिपीट ऑर्डर देने में क्या दिक्कत थी, जब केवल हमारे पास इतनी आवश्यकता है, 2800 आर्टिलरी गन की आवश्यकता है, उसमें से हमने केवल 100 का ऑर्डर दिया, 100 और अतिरिक्त ऑर्डर देना था, जबकि LAC पर टोटल K9 वज्र आर्टिलरी विंटर किट के साथ लगाए जा रहे थे। उसके बावजूद दोस्तों हमने अमेरिका से 145 लाइट होविट्जर गन खरीदी और दोस्तों 114 धनुष गन को खरीदा। उसके लिए भी देरी का सामना करना पड़ रहा है, उसमें या तो भारतीय सेना ऑर्डर नहीं देती है या हमारी सरकारी कंपनियां देरी कर देती हैं। उसके बावजूद, इतनी लताड़ लगाने के बावजूद दोस्तों, ATGS गन के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ATGS गन की फर्स्ट में भी 2-4 साल परीक्षण किया गया था, उसके बावजूद दोस्तों उसकी बैरल फट गया था गोले की खराबी की वजह से, फिर भी उसका बार बार परीक्षण किया गया, यहाँ वहाँ था, मतलब परीक्षण करना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर परीक्षण करने के बाद ये कहा गया है कि बंदूक तो पूरी तरह से सही है, जबकि इस गन ने दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 48 किलोमीटर तक गोला फेंक कर, और चाइना और जर्मनी की कौन सी गन भारत के ATGS का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बावजूद ये कहा गया है कि इसका वजन ज़्यादा है, ये 18 टन की, हमारे को कम वजन की चाहिए। दोस्तों, फिर इसकी टेक्नोलॉजी को कम करके इसको वजन को कम किया गया। आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई टेक्नोलॉजी की कमी है, इसमें वजन ज़्यादा है, कम है, वो हमारी DRDO और हमारी प्राइवेट कंपनियां या हमारी सरकारी कंपनियां कर दे देगी, पर आप ऑर्डर ही नहीं देंगे। दोस्तों, हमारी अब हम पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं, पाकिस्तान का जमाना 1971 का चला गया, वो हमने जंग भी जीत ली और कारगिल की भी जीत ली, उस समय हम उसके मुकाबले ठीक थे, पर दोस्तों अब चाइना से मुकाबला है, चाइना के पास K9 वज्र की तरह हजारों गन है और लाइट होविट्जर उसके पास हजारों है, हम यहाँ 2800 की बात कर रहे हैं, उसके पास 4800 से ज़्यादा आर्टिलरी गन है, और हम दोस्तों यहाँ 2800 पूरी नहीं कर पा रहे, 1999 से लगाकर 2027 तक भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमने धनुष का ऑर्डर दिया रह के 114 ऑर्डर, उसके बावजूद 100 ऑर्डर और 320 ATGS गन का ऑर्डर दिया। आर्मेनिया दोस्तों हमारे से ATGS गन खरीदता है ना, तो उसका दुश्मन देश अजरबैजान की मीडिया में यह बात उठाई जाती है कि भारतीय सेना खुद ATGS को नहीं खरीद रही तो आर्मेनिया खरीद रहा है, तो इसकी क्या साबित है कि यह गन अच्छी है। तो दोस्तों, जिस गन को हम नहीं खरीदेंगे उस गन को विदेश कैसे खरीदेगा। और दोस्तों, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर की, और दोस्तों एक्सपोर्ट की बात करते हैं, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट करेंगे, पर दोस्तों हमारी सेना, वायुसेना और इंडियन नेवी को हथियार अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि आपको ये कहूँगा तो बुरा लगेगा, हम राइफल भी अभी तक रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके बना रहे, जब से छोटी कंट्री बल्गेरिया वो कंट्री भी अच्छी अच्छी गन बना लेती है। दोस्तों, हमारी कंपनियों में कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ साइंटिस्टों में कोई कमी नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर दोस्तों कमी है तो सिर्फ हमारी सेना में और इनमें, जो ऑर्डर हमारे स्थानीय कंपनियों को नहीं देती है। आप जिस तरह की चाहिए गन उस तरह की मांगे ना, ठीक है, हमारी कंपनियां लागत कम रखती है और उपयोगी ज़्यादा बनाती है, इसलिए आपको पसंद नहीं आती है, और वो ज़्यादा कीमती गने होती है विदेशी, वो आपको ज़्यादा पसंद आती है। आप उनको बताइए किस प्रकार की गन बनाइए, हमारे को इस तरह का हत्या
चाहिए, उस तरह का बैरल चाहिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, उस तरह की कंपनी आपको बना के देगी, एक नहीं पाँच पाँच प्रोटोटाइप बना के देगी। आप कह के तो देखिए, पर आप कहोगे नहीं, आप केवल आपको इसराइल की टोड आर्टिलरी बता दी जाए तो आपको पसंद आ जाएगी, एटोस वो आपको पसंद आ जाती है क्योंकि उसके मतलब ट्रक में बड़ा आर्मर्ड किया हुआ होता है। हमारे पास भी टाटा का आर्मर्ड व्हीकल है, आप ऑर्डर दे दीजिए। दोस्तों आपको बता दूं, हम बीएमपी सोवियत के ज़माने के इन्फेंट्री व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, और टाटा वेब जो व्हील टाटा ने बनाया था वो अभी तक पूरा नहीं, उसके 10-15 ऑर्डर दिए गए, जबकि दोस्तों पूरी दुनिया इन्फेंट्री व्हीकल के ट्रैक वर्जन को छोड़कर पहिए वाले वर्जन पर पूरी दुनिया आ चुकी है, यहाँ तक कि लाइट टैंक भी पहिए वाले वर्जन पर आ चुके हैं। अब दोस्तों जोरावर लाइट टैंक बना रहे हैं, उसका आता पता नहीं है, हम मेन बैटल टैंक की बात कर रहे हैं, डीआरडीओ बना रहा है। दोस्तों हमारी कंपनियाँ बनाएगी, उनमें भी बनाने की भावना जगेगी। जब दोस्तों हमारे एचएल को डांट पड़ती है तो एचएल भी जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना शुरू हो जाती है, नई नई प्लांट डाल रही है, वो भी हमारी कंपनियाँ भी करेगी। पर आप दोस्तों ऑर्डर तो दें, ये दोस्तों सरकार और सेना दोनों की कमी है। हम तारीफ करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि मोदी जी के आने के बाद डिफेंस के क्षेत्र में हमारे को बढ़त मिली है, और उन्होंने दोस्तों डिफेंस का बजट भी बढ़ाया है और डिफेंस के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लेके आए हैं। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी कमियाँ भी भूल जाएँ और हम ये भी नहीं बताएं कि किस प्रकार हम कमियों से जूझ रहे हैं। हम बराबरी करते हैं बार बार पाकिस्तान से। दोस्तों पाकिस्तान से बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बराबरी करो अपने दुश्मन से, चाइना से आप बराबरी करो, अपने दुश्मन अमेरिका से, या अपना दोस्त हो या अपने दोस्त के बराबर, अमेरिका आपका दोस्त है तो उससे बराबरी करो। आप जिसके साथ उठते बैठते हो, पाकिस्तान आपके साथ उठने बैठने लायक देश नहीं है, एक घटिया कंट्री है, उसकी क्या बराबरी करना है, वो भिखारी कंट्री है, वो आपकी बराबरी कैसे कर पाएगा, वो उधार लेके भी वो चाइना से आपसे ज़्यादा टैंक और आर्टिलरी गन है उसके पास। आप मतलब पाकिस्तान की बराबरी करते हो तो अभी शर्म आने वाली है आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपकी क्या राय है, क्या इसी प्रकार से ढीला रवैया चलना चाहिए, क्या कुछ बेहतरी आनी चाहिए। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।